वो हमारे माँ मंदिर के रतन जी भाई साहब से बताया करो, वैसे आप दोनों को माफ करा उनके को। पुजारी महासंघ अजमेर के कार्यकारिणी का गठन किया गया आज, और पुजारी और पुरोहितों पर संगोष्ठी रखी गई है। उस संगोष्ठी में अनेक विचार आए तथा पुजारियों की जो मूलभूत समस्याएं हैं उनके लिए ये पुजारी सेवक महासंघ का गठन किया गया है, और आज 19वें जिले के अंदर इसकी कार्यकारिणी का गठन अजमेर में हो गया है, और पूरे संपूर्ण राजस्थान के अंदर इस पुजारी महासंघ को फैलाया जाएगा। पुजारी महासंघ के अंदर कोई भी तबका पुजारी जो वांछित रूप से नहीं रहेगा, उनके उचित मानदेय के लिए हमारी सरकार से मांग रहेगी। उनकी ज़मीनें जो मंदिरों के नाम ज़मीनें थी, उनके नामांतरण में पुजारी का भी नाम अंकित किया जाए, ये हमारी मूलभूत मांग है। पंडित सर, और विषय हमारा आए दिन जिस प्रकार से पुजारियों के साथ अत्याचार होते हैं, उसके लिए सरकार तुरंत जो कार्रवाई करें, ऐसा जो हमारी मांग है। पंडित सुदामा शर्मा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष पुजारी महासंघ प्रदेश। आज अजमेर जिले की कार्यकारिणी पुजारी महासंघ सेवक परिषद का गठन हुआ। मुझे बहुत खुशी है कि हमारा ये संगठन पूरे राजस्थान में अपना प्रतिनिधित्व कर रहा है। पुजारी सेवक संघ विप्र कल्याण बोर्ड के माध्यम से भी, जो सरकार की संस्था है, और माननीय महेश शर्मा जी राज्य मंत्री हैं, वो विप्र कल्याण बोर्ड के अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक विशेषज्ञ सलाहकार समिति का गठन किया है, जिसमें पुजारी सेवक संघ भी काम कर रहा है, जिसका मैं प्रतिनिधित्व करता हूँ। हमारा काम पुजारी से संबंधित सभी चीज़ें, सभी समस्याएं सरकार तक पहुँचाना है, और उनका निर्णायक तौर पर उनका हल निकालें, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। आपका नाम? मैं महेश प्रसाद शर्मा, विशेषज्ञ सलाहकार समिति राजस्थान विप्र कल्याण बोर्ड जयपुर, राजस्थान सरकार।